बस न्यूज और मैं हूँ प्रतिमा सा। अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही महिला के साथ वार्ड पार्षद के भाई मंटू सिंह द्वारा छेड़खानी, घर पर चढ़कर गोलीबारी करने की घटना को अंजाम दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है। पीड़ित ने विष्णुपद थाने में आवेदन दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घर पर हुई गोलीबारी के दौरान इस्तेमाल किए गए गोलियों के खोखे को पुलिस ने बरामद किया है। विष्णुपद थाना अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है, दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पीड़ित पक्ष के ओर से आवेदन आया है। पूर्व से भी दोनों पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा है। नरेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि शनिवार को उनकी बहू अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। बच्चे को स्कूल में छोड़े जाने के दौरान रास्ते में नादरागंज के वार्ड पार्षद संतोष के भाई मंटू सिंह ने पहले बहू को अपशब्द कहे और फिर उसके हाथ पकड़कर दुपट्टा खींच दिया। इस बात का विरोध किया तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा। यही नहीं, उसने बहू के पति छोटू को बुलाने की बात कही। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मंटू सिंह अपने कुछ साथियों के साथ घर पर आ गया और छोटे बेटे निर्मल को कहा कि छोटू को बुलाओ। इस पर निर्मल ने कहा कि छोटू को तुम ही खुद बुला लो। इस पर वह भड़क गया और गोलीबारी करने लगा। इस गोलीबारी में नरेश सिन्हा बाल बाल बच गए। नरेश सिन्हा की बहू का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को दी थी। वहीं मंटू सिंह की मां बिमला देवी ने कहा कि चुनाव का मौसम है, आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मामले को तूल दिया जा रहा है और मेरे बेटे स्थानीय वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 38 के संतोष कुमार उर्फ संतोष सिंह, मंटू सिंह व श्याम समेत अन्य को फंसाया जा रहा है। गया पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि मामले में निष्पक्ष जांच किया जाए। मंटू सिंह है और उसका भाई श्याम है, वो हमको बोला क्या आइटम कहाँ जा रही है, अब फिर भी कुछ नहीं बोला। बोला आइटम मोबाइल नंबर दो, फिर भी हम कुछ नहीं बोला। हम बोला पागल है, हम तो बच्चे को ट्यूशन छोड़ के आ रहे हैं। तो वो मेरा पीछा करने लगा तो हम आ करके घर पे अपनी सास को रो रो के बोलने लगे, मम्मी देखिए हम अकेले जाते हैं, मम्मी ट्यूशन छोड़ने बच्चा को, तो देखिए ना मंटू सिंह है जो संतोष का भाई हमको मती कर रहा, नंबर मांग रहा था। मेरा देवर घर में थे, मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरे हस्बैंड कैमरा करने चले गए थे। मेरा देवर सुने बोले क्या हुआ भाभी, हम बोले देखिए ना हम गए ना तो उनसे नंबर मांगता आइटम बोलता है। तो बोला ठीक है, वो बेचारा समझाने गए, दो दिन के पहले का बात है, समझाने गए तो उसको गाली गुप्टा करने लगा, मेरा देवर को मारा भी है। तो फिर भी हम लोग आकर के चुप हो गए। तो फिर हम लोग तो कल आया आकर के, हम घर में बच्चा को खाना खिला रहे थे, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा था, खाना खा रहा था, तो गस के डेट पीटा, पहले फायरिंग किया, सबसे पहले फायरिंग किया। तो हम सोचे कि लगन के टाइम में पटाखा फोड़ रहा है, तो वो पटाखा फोड़ा, उसके बाद आवाज़ दिया, धक्का दिया, कस के बोला अरे छुटवा अरे। तो हम सबसे पहले हम निकले बाहर, हम बोला बोलिए क्या बात है, तो मेरा गेट क्यों पीट रहा, तो बोला ये आपका गेट है, हाँ मेरा गेट है, बोलिए, तो तुम यहीं रहती है, हम बोला हाँ यहीं रहते हैं, बोलिए, तो छुटवा कौन है, हम बोला छोटू मेरा देवर है। तो बोला ठीक है, तो गाली गलौज किया, हम बोला आप गलती किए थे तब ना आप गाली गलौज किया था, आप मेरा नंबर मांग रहे थे तो मेरा देवर गया था। उतने में मेरा हाथ धर लिया, बोला चल तू आइटम तोरा लिए के जाए। तो हम चिल्लाने लगे मम्मी मम्मी, सब चिल्लाने लगे हम, तो मेरी सास, मेरी ननद, मेरी गोतनी निकली, तो निकली तो बोले कि आप, तो हम बोले आपका घर में माँ बहन नहीं है, जब किसी का घर पे चढ़ के, मेरे घर में जेंट्स नहीं है, आप घर पे चढ़ करके लेडीज कैसा है। मेरी सास हाथ जोड़ ली, तो वहाँ से ईटा उठाया, उठा करके मेरे सास पर मारने के लिए उठा। हम बोले आप मेरे सास को क्यों मारने के लिए उठ रहे हैं, वो गलत बात नहीं बोल रही है कि मेरी बेटी को क्यों ले जा रहा है, कारण क्या है, किसी तरह का कोई दुश्मनी सर, बोला तो शुरू में तो बोला कि मेरा छिड़खानी की है, उसके बाद फायरिंग चलने लगा। हम और छोटा बच्चा लिए हुए थे, मेरी गोटनी भी छोटा बच्चा लिए हुए थी, मेरा ससुर का देखिए पैर पर लगा है चोट, जो यहाँ पर फायरिंग की है, पहले तो तीन चार चला चुका था, वो समझिए तो पाँच छह गोली चला चुका, फिर एक वो थे जो बेचारा हम लोग का साथ मतलब बोलने लगे कि काहे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज न्यूज। धन्यवाद।